Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 7 Thesis, chapter number 8, Devotional Paths to the Divine. You may have seen people perform rituals of worship or singing bhajna, kitna or kavalis, or even re repeating the name of God in silence. एंड नोटिस दैट of आर मूव्ड moved into टीयर्स तो आपने देखा होगा कि लोग हैं जो अलग अलग रिचुअल से जान कि पूजा पाठ करते हैं कोई तो भजन गाता है कोई कीर्तन करता है कोई कवाली गाता है है ना तो कोई साइलेंस में ही गॉड को याद करता है और कोई आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत से लोग ऐसे कि भगवान को याद करते करते उनकी आंखों में आंसू में मिया आ जाते हैं सम इंटेंस डिवोशन और द लव ऑफ गॉड इज अलेगेसी ऑफ अ वेरियस काइंड ऑफ अ भक्ति एंड सूफी मोवमेंट

एमर्ज होने से पहले जो अलग अलग ग्रुप में लोग रहते थे उनके अलग अलग देवी अलग अलग देवियां होती थी एज पीपल वर ब्रॉड टूगैदर थ्रू द ग्रोथ ऑफ़ द टाउन जैसे जैसे टाउन की ट्रेड और एम्पायर की ग्रोथ हुई न्यू आइडियाज़ शुरू हुए डेवलप होना तो लोगों इकट्ठे होना उन्होंने शुरू कर दिया द आइडिया दैट ऑल द लिविंग थिंग्स पास थ्रू द काउंटलेस साइकिल ऑफ द बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड डीड्स और बैड केम टू बी वाइली एक्सेप्टेड तो लोगों ने ये आइडिया वाइडली एक्सेप्टेड हो गया कि हम ने मर ये साइकिल चलता रहता है जीना मरना दोबारा से फिर जीना अच्छे बुरे कर्म करना ये सब कुछ इस पे बेस इसको अब वाइडली एक्सेप्ट किया गया इस आइडिया को कि डेथ होती है उसके दोबारा उसके बाद दोबारा रीबर्थ होता है ये सब के ऊपर लोग बिलीव करने लगे इन बातों के ये आइडिया एक्सेप्ट हो गया वाइडली एक्सेप्टेड किया गया सिमिलरली द आइडिया दैट ऑल ह्यूमन बींग आर नॉट इक्वल इवन एट द बर्थ गेन ग्राउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड तो लोगों ने ये भी आइडिया देखा गया कि लोग भी सभी लोग एक जैसे नहीं होते इक्वल नहीं होते ठीक है इस बर्थ के अकॉर्डिंग द बिलीव दैट द सोशल प्रिवलेज केम फ्रॉम द बर्थ इन द नॉबल फैमिली और अ हाई कास्ट वाज़ द सब्जेक्ट ऑफ मैनी लर्न टेक्सिस तो ये ऐसे ही उनमें ये आइडिया भी डेवलप होगा लोगों में कि जो नॉबल्स हैं यानी कि जिनके घर न, एक राजा महाराजा के घर एक बच्चा पैदा हुआ है वो भी राजा महाराजा ही बनेगा और जो हाई कास्ट के लोग हैं वही टैक्स पढ़ सकते हैं ये सब कुछ ठीक है मैनी पीपल वर अनइी विद सच आइडिया एंड टर्न टू द टीचिंग ऑफ द बुद्ध एंड जैनिज्म जैनिज्म जैनाज अकॉर्डिंग to विच इट was पॉसिबल टू ओवरकम सोशल differences एंड ब्रेक द साइकल of rebirth थ्रू अ पर्सनल एफर्ट्स तो बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनको ये जो आइडियाज़ थे ये उनको ठीक नहीं लगे उसी उन्होंने जो बुद्धास की और जैनाज की रिलीजन की जो टीचिंग थी ये उसकी तरफ टर्न कर गए क्योंकि वहाँ पर ये चाहते थे ये सोशल डिफ्रेंसिस था उससे निकलना चाहते थे ये साइकिल ऑफ्री बर्थ से वो निकलना चाहते थे पर्सनल एफर्ट से वो रीबर्थ साइकिल से निकलना चाहते थे इसीलिए वो जैन और बुद्ध धर्म की तरफ जाते हैं अदर फेल्ट अट्रैक्टेड टू द आइडिया ऑफ द सुप्रीम गॉड हु कम हु कुड डिलीवर ह्यूमन फ्रॉम सच अ बॉन्डेज इफ अप्रोचेस विद द डिवोशन और भक्ति दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवत गीता तो क्या जी ये क्या बोल रहे हैं अदर फेल्ट बहुत से ने ऐसा फेल्ट किया ऐसा महसूस किया अट्रैक्ट टू द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड तो वो इस आइडिया पे अट्रैक्ट हो गए कि वो के एक सुप्रीम गॉड है इस दुनिया में सबसे एक सुप्रीम गॉड है हु को डिलीवर ह्यूमन जो लोगों को डिलीवर ह्यूम को डिलीवर करता है सच बॉन्डी जो जो इन ह्यूमन को इंसानों को इन जो बंधनों से मुक्त कर सकता है इफ अप्रोच विद द डिवोशन अगर हम भक्ति करें उसकी भक्ति करें उस सुप्रीम गॉड की भक्ति करें तो हम इस से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं इस जो बंधन है इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं बर्थ और रिबर्थ से दिस आइडिया एडवोकेट इन द भगवदगीता ये जो आइडिया है भगवत गीता का है ग्री इन पॉपुलरिटी इन द अर्ली सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा कॉमन एरा में ये शुरू में भगवद गीता का ये जो आइडिया है बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया फेमस हो गया शिवा विष्णु एंड अ दुर्गा एज अ सुप्रीम डैतीज केम टू बी वर्शिप थ्रू आई एलेबोरेटरी रिचुअल्स शिवा विष्णु दुर्गा ये सुप्रीम डीज डेटीज थी यानी कि देवी देवतियाँ थी जिनको बहुत ज़्यादा पूजा जाता था बहुत ज़्यादा माना जाता था बहुत बड़े पैमाने पर एट द सेम टाइम गॉड्स एंड गॉडेस वर्शिप इन डिफरेंट एरिया केम टू बी आइडेंटिफाई विद द शिवा विष्णु एंड दुर्गा ऐसे ही अलग अलग तरीके से लोग वर्शिप करते थे अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से शिवा विष्णु और दुर्गा को आइडेंटिफाई किया इन द प्रोसेस लोकल मिथ्स एंड लेजेंड्स बिकम अ पार्ट ऑफ द पौराणिक स्टोरीज तो इसी प्रोसेस में लोकल मिथ्स बनी लेजेंड जो लेजेंड्स थे वो भी पुराणस की स्टोरीज का हिस्सा बन गए मेथड्स ऑफ वर्शिप इसमें बताई गई हैं पुराणस में है। पुराना कैसे के लोकल कल्ट्स के बारे में सब कुछ इन पुराणस में डिटेल uh, से बताया गया है इवेंचुअली द पुरानाज ऑल्सो लेट डाउन दैट इट वॉज पॉसिबल फॉर अ डिवोटीज टू रिसीव द ग्रेस ऑफ गॉड रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेचू तो पुराना में ये भी बताया गया है कि जो गॉड की जो महिमा है उसको हर एक इंसान रिसीव कर सकता है जो भगवान है वो कास्ट सिस्टम में कास्ट स्टेटस को नहीं देखता तो ये भी पुराना में ये न्यू आइडिया था द आइडिया ऑफ भक्ति बिकम एज सो पॉपुलर दैट इवन बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म अडोप्टेड दिस बिलीव तो ये जो भक्ति का ये जो आइडिया था ये जो बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गया बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि बुद्धिस्ट और जैनिज्म ने भी ये इस बिलीव को अडोप्ट कर लिया अ न्यू काइंड ऑफ अ भक्ति इन साउथ इंडिया नायनार्स एंड अलवारस तो ये साउथ इंडिया में साउथ वाले रीजन्स में हमारे इंडिया के दो तरीके की भक्ति के जैसे नायनार नायनार्स एंड अलवारस का इसका एमरजेंस हुआ चुरी में अगर हम देखे तो नए तरीके का एमरजेंस हुआ रिलीजन में लेट बाई दिस कौन ले के आए थे ये नाय नाराज वो सेंट जो शिवा को अपना आप सब डिवोट करते हैं अलवारस अलवारस वो होते थे जो विष्णु को आ, आ, उसके संत होते यानी कि उसको पूछते थे हु केम फ्रॉम ऑल इंक्लूडिंग दोज कंसीडर अनटचेबल तो उनमें वो सब इंक्लूड थे इन नायनारा और अलवारस में सभी वो इंक्लूड थे अनटचेबल भी इंक्लूड थे लाइक like, अनटचेबल में जैसे पुल्लेयर एंड द पनारस ये भी इंक्लूड थे They were दे वर आ शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म ये क्रिटिक कल क्रिटिक करते थे बुद्धिस्ट एंड जैन का एंड प्लीज द आर्डनेट लव ऑफ शिवा एंड विष्णु एज द पाथ ऑफ सॉलवेशन ये इनका कहना था कि हमें शिवा और विष्णु का लव पाने के लिए पन हमें सॉलवेशन का पाथ चुनना होगा दे ड्रू अपॉन द आइडिया ऑफ लव ये लव और हीरोइज़्म के आइडिया पे डिपेंड करते थे एज फाउंड इन द संगम लिटरेचर जो कि संगम लिटरेचर में हमें मिलता है द अर्लीस्ट और अल्वाराज होते थे, ये place to place, एक दूसरे प्लेस तक जाते रहते थे कंपोजिंग एग्जिक्यूसाइट पोईम इन प्रेस ऑफ द दे डेटी जो ये इनको मानते थे शिव और विष्णु के प्रेज में पोइम्स वगैरह ये गाते रहते थे विलेज टू विलेज ये जाते रहते थे और ये म्यूजिक के साथ ये सब कुछ गाते थे नाइनाराज एंड अलवर वारिक्सटी थ्री नायनारा बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट बैकर्स अन टचर्स ब्राह्मन एंड चीफ तो ये नायनारे तो जानी के जो शिवा को डिवोट करते थे इनमें से अलग अलग जैसे पोटर हैं जो अन टचबल में भी आ जाते थे वो भी इंक्लूड थे द बेस्ट ऑन अमंग इनमें से सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा जाने जाते हैं वो है अपर एंड मनी मनी का मनी का सागर देर वर टू सेट ऑफ से कॉम्पीलेशन ऑफ देर सॉन्ग इनका जो सॉन्ग का कॉम्पिलेशन है वो है तेवरम एंड अ तिरुवचकम देर ये देखो सिक्सटी थ्री थे नायनाराज और ट्वेल्व थे अलवराज हु केम फ्रॉम इक्वेलिटी डाइवर्जेंस बैकग्राउंड ये भी अलग अलग बैग्राउंड से आए थे द बेस्ट नॉन बींग इन में से ज़्यादातर जो फेमस है वो है परियावर परियालवर हिज डॉटर अंटल एंड दौन द राधि पोदी पोदी ये मेरी प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो सकती है सॉरी फॉर दैट अलवर एंड अ नमन आलवर देवर सॉन्ग्स व कंपाइल्ड इन दिव्या प्रबंधन यानी कि इनके अलग अलग ये कंपाइल किए हुए थे इनके जो सॉन्ग ये जो गाते थे उनमें तो ये नायनाराज के किसमें इनके सॉन्ग्स कंपाइल थे वो थे तेवरम एंड आ तिरु तिरुवचकम और ये इनके थे अलवराज के वो थे दिव्या प्रबंधम ओके बिटवीन द टेंथ एंड ट्वेल्थ सेंचुरी द चौला एंड अ पांड्या किंग किंग्स बिल्ड ए इलेबोरेट टेंपल अराउंड मैनी ऑफ द श्राइन विजिटेड बाय द सेंट पोइट्स स्ट्रेटनिंग द लिंक्स बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड टेंपल वॉशिप तो बहुत से जैसे टेंथ टू ट्वेल्थ सेंचुरी में जैसे चौला और पांड्या के जो राजा हुए थे उन्होंने बहुत जो टेम्पल्स बनाने शुरू कर दी उन प्लेसिस पे जहाँ पर जो बड़े बड़े सेंट पॉइंट्स वगैरह विजिट किया था उन्होंने वहाँ पर उन्होंने बनाने शुरू कर दिए टेम्पल्स वगैरह ओके बिटवीन द भक्ति ट्रेडिशन एंड द टेम्पल वर्शिप को में लिंक बनाना चाहते थे इसीलिए दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन दियर अब पॉइंट वगैरह कंपाइल तो ये वो टाइम था टेंथ टू ट्वेल्थ सेंचुरी इस टाइम में जो ये कम कंपोज किए गए थे सॉन्ग वगैरह उनको भी कंपाइल किया गया एक जगह पे कंपाइल कर दिया गया बिसाइड अ और बायोग्राफीज हैजियोग्राफिक को हैजीग्राफीज मतलब रिलीजियस बायोग्राफीज होती हैं ऑफ़ द अलवराज एंड नाय वर आल्सो ऑल्सो कंपोज इनकी जो बायोग्राफीज वो भी कंपोज की गई टुडे वी यूज द टेक्स एज अ रिसोर्सेज फॉर द राइटिंग हिस्ट्री ऑफ द भक्ति ट्रेडिशन भक्ति ट्रेडिशन की राइटिंग के लिए ये जो टेक्चज हैं जो ये हेजीग्राफीज लिखी गई है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम भक्ति ट्रेडिशन की स्टडी करते हैं द डिवोटीज एंड द लॉर्ड दिस इज कंपोजिशन ऑफ द मनी कवासागर इन टू माई वाइल्ड बॉडी ऑफ अ फ्लैश यू कैन एज थ्रो इट वर्ड अ टेम्पल ऑफ गोल्ड एंड अड मी अली एंड सेव्ड मी ओ लॉर्ड ऑफ ग्रेस प्योर सॉरू एंड बर्थ एंड डेथ एंड अल्यूजन यू लुक मी फ्री ओ ब्लैस आई है कैन आई बी अ पार्ट फ्रॉम यू यानी कि ये गॉड की महिमा कर रहा है गॉड की महिमा कर रहा है वो बोल रहे हैं वो यानी कि अपना आप समर्पित कर रहा है मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता ये सब कुछ बताया गया है कैसे रिलेशन थे पोइट के जो भी म्यूजिक है फिलॉसफी एंड भक्ति शंकर आज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट शंकर थे जो शंकर आज से फिलासफर हुए हैं इंडिया के बहुत फेमस थे ये इन्फ्लुएंशियल थे ये केरला में एट सेंचुरी में इनका बर्थ हुआ ही वाज एन एडवोकेट ऑफ आदिवेता और डॉक्ट्राइन ऑफ दस ऑफ़ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड विच इज़ द अल्टीमेट रियलिटी ये एडवोकेट थे ऑफ आदिवेता के यानी के

वो फॉर्मलेस है और बिना किसी एट्रीब्यूट हैं ही कंसीडर द वर्ल्ड अराउंड अस टू बी एन एल्यूजन और माया वो इस संसार को माया जाल और ये एक एल्यूजन मानते थे एक भुले का बोलते थे एंड प्रीज रीनउंसिएशन ऑफ़ द वर्ल्ड एंड एडोप्टन ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज टू अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्राह्मन एंड विश तो वो बोलते हैं तो इसको इसके लिए हमें अडॉप्ट करना होगा इसे रिनउंसियशन करना होगा इस वर्ल्ड से तो उन्होंने प्रीच किया तो हमें जो ब्रह्म ये नॉलेज का पाथ गेन करना होगा और अंडरस्टैंड करना होगा ट्रू नेचर ऑफ ब्राह्मीण जो ब्राह्मींस का ट्रू नेचर है उसको अडॉप्ट करना होगा नॉलेज के पाथ पर चलना होगा तो हम रिनसिएशन के बारे में ऐसे वो प्रीच करते थे शंकरार ओके रामो रामुजा ये तमिल में इनका बर्थ

विष्णु अगर आप उनसे मिलना चाहते हो तो वो भी आपकी हेल्प करेंगे मिलने में ही प्रपाउंड द डॉक्ट्राइन ऑफ अश्व विश्वता और क्वालिफाइड वन इन दैट द सोल इवन वैन आई यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन द डिस्टिंग अगर वो मतलब फिर भी जब वो यूनाइट हो जाते हैं फिर भी वो जो डिस्टिंग बन जाती है वो सुप्रीम गॉड ओके सुप्रीम गॉड के साथ एंड रामाज डराइन ग्रेटली इंस्पायर द न्यू स्ट्रीट ऑफ अभक्ति विच डेवलप इन नॉर्थ इंडिया सब्सिक्वेंटली तो उसके बाद ये जो रामानुज का ये जो आइडिया था वो नॉर्थ इंडिया में भी डेवलप हुआ भक्ति का आगे है बस वना वीरा शिवमा शिवम तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें जितना बड़ा है आपने आई होप आपको समझ में आ गया होगा थैंक्स एंड टू गॉड ब्लेस यू